नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि YouTube पर जो वीडियो अपलोड करते हैं उसको एडिट कैसे करते हैं। तो आज मैं आप सबको एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसकी सहायता से आप फ्री में बिना वाटरमार्क के अपने मोबाइल से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इनशॉट मोबाइल एप्लीकेशन का, जिसकी सहायता से आप फोटो और वीडियो दोनों एडिट कर सकते हैं और इस ऐप का कोई वाटरमार्क भी आपके वीडियो में नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो इसके बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से हम इनशॉट ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे क्रिएट न्यू दिखाई दे रहा होगा जिसमें वीडियो फोटो और कॉलेज लिखा हुआ है। तो जैसे हमें वीडियो एडिट करना है तो सबसे पहले हम वीडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको जिस वीडियो को एडिट करना है आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है और नीचे ओके वाले बटन पे प्रेस करेंगे। अभी यहाँ से हमने ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया है, वीडियो हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अभी तो जो सबसे पहला ऑप्शन है कैनवास लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ से आप वीडियो की जो साइज़ है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको जिस साइज़ में वीडियो बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ से कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं और अपना वीडियो बना सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है म्यूज़िक का। जैसे अगर हमें वीडियो में कोई म्यूज़िक वगैरह लगाना है तो यह हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे म्यूज़िक पे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, म्यूज़िक, इफ़ेक्ट और रिकॉर्ड। जैसे मान लो आपको अपनी आवाज़ में कुछ रिकॉर्ड करके वीडियो में लगाना है तो आप यहाँ से रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से अपनी आवाज़ को हम आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को हमारे वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं अपने वीडियो में तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे तालियां बजाना, गिलास तोड़ना वगैरह कुछ भी। जैसे मैं आपको सुनाता हूं कुछ, एक ये देखिए। इस प्रकार से आप कोई भी एक यहां से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप अपने वीडियो में म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको माई म्यूजिक दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो म्यूजिक रहेगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको आप यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम ये पहले वाला यूज़ करते हैं तो यूज़ पे क्लिक करेंगे। यूज़ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक दो नया इंटरफेस ओपन हो रहा है, इसमें देखेंगे आप कि अपना म्यूजिक सिलेक्ट हो चुका है। अभी आपको इस म्यूजिक में जैसे प्ले करके दिखाता हूँ आपको, आप म्यूजिक ऐड हो चुका है ये देखिए। तो अभी जैसे आपको म्यूज़िक को एडिट करना है तो आपको यहाँ से एडिट कर सकते हैं म्यूज़िक में। इसको आपको यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम को भी। जैसे वॉल्यूम कम रखते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसके आगे वॉल्यूम का दे रखा है, आप यहाँ से भी वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो के हिसाब से, जितनी आपको वॉल्यूम चाहिए उस हिसाब से। इसके जो आगे दे रखा है वो है डिलीट का ऑप्शन। अगर आप जैसे इसको म्यूजिक को हटाना चाहते हो यहाँ से तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो अभी म्यूजिक को हटाना है तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे तो ये म्यूजिक हट जाएगा। और इसी प्रकार अगर हमें दोबारा से लगाना है तो आप दोबारा यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अपना म्यूजिक वीडियो में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, तो यहाँ पे स्टिकर का दे रखा है। अगर आपको वीडियो में कुछ स्टिकर यूज़ करने हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टिकर दे रखे हैं इसमें तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने वीडियो के लिए और यूज़ कर सकते हैं उनको वीडियो में। जैसे मान लो हमें कोई भी स्टिकर चाहिए, जैसे मान लो ये यूज़ करना है तो ये यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप जैसे वीडियो में कहाँ मतलब कितनी देर तक स्टिकर रखना चाहते हैं तो आप उस इसको साइज़ इसका जो लेंथ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका, जैसे आपको कहाँ तक चाहिए उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो अभी देखिए आप म्यूजिक में ये वीडियो आता रहेगा, तो ये स्टिकर म्यूजिक में आता रहेगा। अगर आप उस हिसाब से अगर आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हैं इसको, तो यहाँ से इसका जो इफेक्ट दे रखा है इसके भी जैसे आपको किस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ से कोई भी एक इफेक्ट इसका चूज़ कर सकते हैं।
और अपना वीडियो में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप इसे भी जैसे हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट करके हटा सकते हैं, और लगा के रखना चाहते हो तो लगा सकते हो इस हिसाब से। इसके अलावा अगर आप इसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हो, अगर कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से इसको टाइप कर सकते हैं, और टाइप करके जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और टेक्स्ट को भी एडिट करना चाहते हो, अगर जैसे उसका कलर चेंज करना है हमें, तो आप यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। और इनके जैसे कुछ इफेक्ट डालना है बैकग्राउंड में, तो ये आप यहाँ से नीचे जो दे रखा है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से। इसी के साथ यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये आ गया, स्पीकर भी आ गया, जो हमने टेक्स्ट डाला था वो भी आ गया। तो अभी हम जैसे अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं, आपको खाली समझाने के लिए बताया था मैंने। इसके अलावा जो आगे डिटेल दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे हमें मान लो कुछ ब्लर करना है, कुछ वीडियो में हमें शो नहीं करना, तो हम यहाँ से इसको लगा सकते हैं, तो वीडियो में जो ब्लर हो जाएगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी आप जैसे जितनी देर तक रखना चाहें उतनी देर तक आप वीडियो में रख सकते हैं, और उसके बाद जैसे हमें इतनी देर के लिए चाहिए तो यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। इसके बाद जैसे इसके आगे टेक्स्ट का फिर से दे रखा, आप यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके आगे जो ऑप्शन है वो है फिल्टर का, तो आप यहाँ से फिल्टर यूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए उस हिसाब से। कोई भी देखिए इस हिसाब से आप कोई भी अगर फिल्टर यूज़ करना चाहें तो आप इसमें से कर सकते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे इफेक्ट भी दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे आप जो इस इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं इसमें, तो आप वो भी यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा मेरे वीडियो में लाइटिंग का एक इफेक्ट आता है, इस हिसाब से मैं यहीं से सेलेक्ट करता हूँ इसका, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना ओके करेंगे इसको तो सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो भी अगर आपको इफेक्ट डालना है उस हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है PIP पिक्चर इन पिक्चर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आप के लिए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके इसका मतलब ये है कि अगर जैसे हमने जो वीडियो बनाया है इसके ऊपर आपको कोई एक वीडियो या फोटो और लगाना है तो वो इससे आप लगा सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे मान लो हमें कुछ कोई वीडियो डालना है इसके ऊपर, तो वीडियो लगाना है, जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे इसमें सब्सक्राइब वगैरह ये सब दिखाई दे रहा है आपको, सब्सक्राइब मुझे लगाना है इसमें, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद देखिए आपको यहाँ इसमें भी आपको अगर कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे इसका बॉर्डर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कोई भी बॉर्डर लगाना चाहते हो उस पर तो आप लगा सकते हैं और यहाँ से ओके करेंगे। इसके अलावा जैसे अभी देखिए ये जो ग्रीन बैकग्राउंड में है, अगर जैसे हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्रोमा शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए इसका बैकग्राउंड गायब हो चुका है अभी, और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड चला जाएगा, डायरेक्ट आएगा। तो इस प्रकार से हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जैसे इस दूसरे जो वीडियो डाला है हमें इसका वॉल्यूम अगर कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से इसको वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं, जो वीडियो हमें ऊपर से लगाया इसमें इसका भी। इसके बाद अगर आपको जैसे इसका स्पीड कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें देखिए आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप जितना चाहें उतना स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो आपने ऊपर वीडियो लगाया इसका, इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्री कट का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगर जैसे वीडियो को ट्रिम करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आपको जैसे आगे और पीछे से कट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे पीछे से कट कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्लिट दे रखा है, अगर आपको जैसे वीडियो बीच में से कट करना है तो आपको यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अगर वीडियो ट्रिम करना चाहे कट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप जैसे वीडियो यहाँ से भी ट्रिम कर सकते हो, आपको यहाँ से भी इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, आपको जिस हिसाब से चाहिए आगे पीछे से, तो यहाँ से भी कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर हमें यहीं पे कोई दूसरा वीडियो भी ऐड करना है तो ये प्लस का जो आइकन दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वीडियो और फोटो पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम इसके आगे दूसरा वीडियो भी लगा सकते हैं। जैसे अगर एक साथ दो वीडियो जोड़ के बनाना है तो आप हमें यहाँ से इसमें से दो वीडियो भी दूसरा वीडियो जोड़ देंगे। अब दूसरा वीडियो जोड़ने के बीच में जो गैप आता है तो उसमें जैसे सेलेक्ट करने के लिए आपको जो नीचे व्हाइट कलर का पेंसिल दिखाई दे रहा है यहाँ से इसको हम ट्रांजेक्शन कोई भी ऐड कर लेंगे इसमें, जिससे क्या होगा कि वीडियो में जो चेंजेस होगा वो हमें
अच्छा लगेगा थोड़ा इसके लिए। जिस हिसाब से देखिए अभी आपको यहाँ से चेंज हो चुका है, ये देखिए। तो इस हिसाब से हम वीडियो में ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो जो स्प्लिट का ही है, जो अभी आपको पहले बताया था उसी हिसाब से अगर वीडियो को बीच से कहीं से कट करना है तो आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो यहाँ से कट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है डिलीट का, जैसे अगर मान लो हमें यहाँ से वीडियो डिलीट करना है तो वो यहाँ से, जैसे मान लो अभी हमें जो वीडियो सेलेक्ट किया था सेकंड नंबर का वो हमें डिलीट करना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो वीडियो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए हो गया वीडियो डिलीट। इसके बाद जो ऑप्शन है वो बैकग्राउंड का है, अगर जैसे हमें बैकग्राउंड में इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड में कुछ लगाना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे भी दे रखा है, बहुत सारे पैटर्न दे रखे हैं, आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे अपनी गैलरी से कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप जैसे यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं और ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद जो है दो दे रखा है दोस्तों स्पीड का, अगर जैसे हमें वीडियो का जो स्पीड है वो जैसे बढ़ाना है, ज़्यादा फास्ट करना है वीडियो को तो इस प्रकार से फास्ट भी कर सकते हैं, और अगर जैसे कम करना है स्लो मोशन में करना है तो वीडियो को स्लो मोशन में भी यहाँ से कर सकते हैं, जैसे वीडियो स्लो मोशन में हो जाएगा। तो यहाँ से अपने हिसाब से जो भी आपको स्पीड चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद दे रखा हो दोस्तों क्रॉप का, अगर आपको वीडियो की जैसे साइज छोटी बड़ी करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में कैनवास में दिखाया था वही है, यहाँ से कोई भी साइज चूज कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है इसका। इसके बाद जैसे दोस्तों है वॉल्यूम, तो अगर जैसे हमें वीडियो का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट, जैसे मान लो आपकी वीडियो में आपने कुछ रिकॉर्ड किया है वॉल्यूम कम आ रही है उसकी, तो आप यहाँ से इसको ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है तो यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं, इस हिसाब से यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है वॉइस इफेक्ट, तो यहाँ से दोस्तों काफ़ी सारे वॉइस इफेक्ट हैं वो आप यहाँ से चूज करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, जैसे देखिए काफ़ी सारे हैं यहाँ से वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है डी नॉइज़ का, तो यह दोस्तों इसको ऑन करने से क्या होता है कि जैसे हमारा जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें जैसे हमारे बैकग्राउंड में काफ़ी सारी नॉइस आती रहती है, आवाज़ें आती रहती हैं, तो उनको ये हटा देता है इसको क्लिक करने, तो इसको ऑन रखने से वो सब आवाज़ें पीछे की हट जाएंगी। इसके बाद में दोस्तों आपको एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिप्लेस का, जैसे अगर हमें इस वीडियो की जगह कोई दूसरा वीडियो लाना है तो आप यहाँ से रिप्लेस पे भी क्लिक करके अब दूसरा वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से डिलीट करके आप दूसरा वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो इसमें जैसे इस ऐप में जैसे ज़्यादा लंबा थोड़ा प्रोसेस नहीं है, आपको एकदम ईजी तरीके से आप इसमें वीडियो एडिट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से यहाँ से वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों वो है डुप्लीकेट का, तो जैसे हमें सेम जो हमारा वीडियो है उसी तरीके का सेम वीडियो दूसरा इसके आगे लगाना है तो इस डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दूसरा वीडियो भी आ गया हमारा सेम टू सेम, इसका मतलब डुप्लीकेट बन जाएगा। जैसे अभी हम इसको अगर जैसे हमने अनडू करना है तो यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में एरो को क्लिक करेंगे तो ये जैसे हट जाएगा वीडियो भी, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ऑप्शन है रोटेट का, तो जैसे हमें वीडियो को रोटेट करना है तो हम यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, जिस प्रकार हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है फ्लिप का, फ्लिप का ऑप्शन में होता क्या है कि जैसे हमें मिरर का जो टाइप दिखाई देगा जैसे उसमें उल्टा दिखाई देगा, जैसे मान लो अगर हमें किसी चीज़ को उल्टा दिखाना है तो ये हमें फ्लिप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों ऑप्शन है फ्रिज का, तो फ्रिज वाले ऑप्शन में दोस्तों जैसे वीडियो का तो लास्ट का 3-4 सेकंड का रहेगा वो इसमें फ्रीज हो जाएगा, सेम टू सेम बिल्कुल हिले डुले ऐसे कैसे दिखाई देगा हमें, इस प्रकार से हमें इसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप वीडियो की डिमांड है तो उस हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों आपको जैसे अगर स्टिकर में जैसे मैं आपको बताऊँगा, अगर जैसे आपको अपने खुद का कटआउट भी यूज़ करना है फ़ोटो का तो आप वहाँ यहाँ से भी फ़ोटो लेंगे तो उसका कटआउट भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा फ़ोटो लेता हूँ मैं, ये कोई भी जैसे मैं ये फ़ोटो लिया तो इसका जैसे खाली कटआउट यूज़ करना है हमें, तो ये देखिए इसका कटआउट आ गया। अगर इसमें जैसे बॉर्डर लगाना है आपको तो यहाँ से बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं और कटआउट यूज़ कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से यूज़ करना है उस हिसाब से आपको जहाँ सेट करना है वहाँ से इसका कटआउट यूज़ कर सकते हैं। कटआउट यूज़ करने के बाद भी जैसे दोस्तों आपको इसको एडिट करना है तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, ये देखिए जिस हिसाब से आपको यहाँ से एडिट करना है या कुछ इफेक्ट लगाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इफेक्ट वगैरह चूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ से वीडियो एडिट करने के लिए जो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियो में लगा सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों एक ऑप्शन और है यहाँ पे एनिमेशन का, जिसमें आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं कुछ अपने वीडियो में इफेक्ट डालने के लिए। यहाँ से जो भी एनिमेशन आप यूज़ करना चाहेंगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं और अपने वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो में एनिमेशन जो आपने यूज़ किया वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। दोस्तों जैसे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे नीचे में इन शॉर्ट लिखा हुआ इसका वाटरमार्क का आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, इसको हटाने के लिए हमें इस पर क्रॉस पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे एक ऐड आएगा 30 सेकंड का, तो फ्री रिमूव करके यहाँ पे इसको देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारा अभी वाटरमार्क यहाँ से रिमूव हो चुका है, जिसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खाली एक 30 सेकंड का वो आता है ऐड, उसको देखना है, उसके बाद यहाँ से आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जैसे वीडियो को सेव करने के लिए हमें सबसे ऊपर टॉप में सेव का आइकन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप जो भी रेजोल्यूशन में वीडियो सेव करना चाहें, जैसे 720, 180 में, 1080 में, या फिर इसमें इस हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऊपर सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो यहाँ से सेव हो जाएगा। तो जैसे इसको सेव करेंगे तो यहाँ से सेव हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे अगर आप सेव करना है तो आप यहाँ से इसको ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, ये वीडियो हमारा ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, जिसे आप फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी गैलरी में सेव करना है तो आप वहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका जो ऑप्शन है नया फोटो का, अगर आप फोटो एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे हमें मान लो इस फोटो को एडिट करना है तो आप यहाँ से इसमें स्टार्टिंग में जो फर्स्ट दे रखा है वो इसका साइज़ का है, आप यहाँ से इसकी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, जैसे आपको वीडियो में जो ऑप्शन था उसी हिसाब से इसमें फ़ोटो वाले में भी सेम ऑप्शन है, आप उसी तरीके से फ़ोटो भी एडिट कर सकते हैं। अभी जैसे इसमें दो सेकंड ऑप्शन है फ़िल्टर का, तो यहाँ से हमें जो भी फ़िल्टर यूज़ करना है वो फ़िल्टर यूज़ कर लेंगे अपने हिसाब से, तो इसकी हमें आवश्यकता होगी उस हिसाब से। अगर जैसे आपको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से तो वो भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट है, वार्मथ है, TNT है, ये सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से चूज़ करके अपना फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे भी जैसे इफेक्ट, इसमें भी आप इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे हमने वीडियो में बताया था उस हिसाब से यहाँ पे भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं। इसके बाद में सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, जैसे बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से। इसके बाद है स्टिकर, तो अगर आपको जैसे फ़ोटो के साथ में स्टिकर सेलेक्ट करना है तो आप वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और जहाँ आपकी दिल करे वहाँ आप इसको सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में है टेक्स्ट, तो आप जैसे टेक्स्ट यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से इसको टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको चूज़ करना है उस हिसाब से, ये देखिए इस हिसाब से अब टेक्स्ट भी चूज़ कर सकते हैं। एडिट करना है तो यहाँ पे ऊपर तो पेंसिल का शो दिखाई दे रहा है, इस पर एडिट कर सकते हैं। जैसे कलर चेंज करना है आपको अगर इसका, या फिर फॉन्ट साइज चेंज, फॉन्ट अगर चेंज करना है आपको, कोई डिफरेंट फॉन्ट में लेना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से कर लेंगे, तो टेक्स्ट के जो हमारा जो टेक्स्ट लिखा है इसके बीच का गैप अगर हमें चेंज बढ़ाना है तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं, और अगर हमें जैसे दो तीन लाइनों में कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसके जो लाइनों के बीच का गैप है वो हम यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जितना हमें चाहिएगा उस हिसाब से। इसके बाद दोस्तों है कटआउट, तो कटआउट का भी सेम जो मैंने पहले बताया था प्रोसेस, जो फोटो को लेकर उसका कटआउट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसका कटआउट बन चुका है, अब यहाँ से अगर हमें कटआउट चाहिए तो हमें इसको यूज़ कर लेंगे, तो इस हिसाब से हम यहाँ से कटआउट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दे रखा है क्रॉप का, तो वही सेम साइज का है, इसमें आप यहाँ से साइज सेलेक्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो दे रखा है फ्रेम का, अगर इसमें जैसे हमें फ्रेम में कौन से टाइप के फ्रेम में हमें ये फ़ोटो चाहिए तो उस हिसाब से आप यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है रोटेट का, तो जैसे अगर हमें फ़ोटो को रोटेट करना है तो आप यहां से कर सकते हैं, अगर आपको जैसे अपने हिसाब से कोई भी एंगल पे लेना चाहें तो आप यहां से भी ले सकते हैं, इसके बाद आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये खाली इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कमी है, आप यहां से आसानी से फ़ोटो और वीडियो इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हमें मान लो ये सेव करना है तो सेम करने का प्रोसेस सेम है, ये सेव हो गया, यहाँ पे एक चार पाँच सेकंड का ऐड आएगा, उसके बाद हमारा फोटो सेव हो जाएगा। ये हमारा फोटो सेव हो चुका है, आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो बैक आ सकते हैं, और इसके बाद यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे या फिर इसको ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। इस तरीके से दोस्तों आप इस ऐप से वीडियो और फ़ोटो आसानी से एडिट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए,
और आप उन्हें अच्छे से यूज कर सकते हैं, जिसका आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ से यूज करके एडिट कर सकते हैं।